हेलो एंड वेलकम गाइस, आज हम सीखेंगे कि आप किस प्रकार से अपने फ़ोन को स्क्रीन मिरर कर सकते हैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे विथ यूएसबी केबल एंड विदाउट एनी लैग एंड डिले। सो विदाउट फर्दर वेटिंग, लेट्स डाइव राइट इनटू इट। किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लें और सर्च बार पर टाइप करें SCRCPY, स्क्रीन कॉपी शॉर्ट है, और पहले लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा गिटहब वाले। तो ये हमारा पेज है स्क्रीन कॉपी एप्लीकेशन का, जिसके ज़रिए हम यूज़ करेंगे स्क्रीन मिररिंग विथ यूएसबी केबल। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको इंटरनेट रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, कंपलसरी नहीं है, आप बिना उसके भी यूज़ कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ नहीं होता। तो अब हम आ जाते हैं रिलीज सेक्शन पे, इस पर क्लिक कर लीजिए। और इस रिलीज सेक्शन में आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तब आपको यहाँ पर विंडोज़ के वर्ज़न मिलेंगे। मैं 64-bit विंडोज़ 10 यूज़ करता हूँ, तो मैं 64-bit डाउनलोड करूँगा। यदि आप 32 करते हैं तो आप 32 भी कर सकते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने पहले ही डाउनलोड करके रख चुका है, तो इसे मैं रखूँगा नहीं, मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। इसे कैंसिल कर दीजिए, ब्राउज़र को क्लोज कर लीजिए और आ जाते हैं हमारे डाउनलोड पेज पे। और ये रहा हमारा फाइल, इसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये जिप फॉर्मेट में मिलेगा हमें। तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये है इसके अंदर की फाइलें। और आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्क्रीन कॉपी एप्लीकेशन, ये हमारा एप्लीकेशन है, इसके ज़रिए ही पूरा वर्क होगा। अगर आप बिना फ़ोन को कनेक्ट करें इसे चालू करेंगे तो ये कुछ देर में क्लोज हो जाएगा डायमंड नॉट रनिंग शो करके। तो अब हम आ जाते हैं अपने फ़ोन के सेक्शन पे। ओके, सो अनलॉक कर लीजिए अपने फ़ोन को और ओपन कर लीजिए सेटिंग। सेटिंग में आ जाइएगा अबाउट फ़ोन सेक्शन पे और इस पर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। और जब आप बिल्ड नंबर पे 4 से 5 बार टाइप करेंगे तभी आपको प्रॉम्प्ट करेगा। अगर आपके में फ़ोन में पैटर्न है तो पैटर्न डाल दीजिए। तो यहाँ मैंने पैटर्न डाल दिया है और नीचे छोटा सा मैसेज आ रहा है, डेवलपर मोड हैज़ बीन अनेबल्ड। डेवलपर मोड हमें अनेबल करना पड़ता है इस ऐप को यूज़ करने के लिए। डेवलपर ऑप्शंस को ओपन कर लीजिए, जब ये अनेबल हो जाएगा तो यूएसबी डिबगिंग को टिक कर लीजिए, अलाउ को ओके कर दीजिए। और इसके बाद हम अपना यूएसबी केबल लगा लेते हैं। ये रहा मेरा केबल, ये लग चुका है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मुझे ये अलाउ करने का शो कर रहा है, अलाउ यूएसबी डिबगिंग, तो इसे अलाउ कर लीजिए। और आ जाते हैं हम हमारे डेस्कटॉप पे और इस एप्लीकेशन को जैसे ही हम रन करेंगे तो आप देख पा रहे हैं मोबाइल की स्क्रीन अब हमारे डेस्कटॉप में शो कर रही है। तो सिर्फ सिंपल स्टेप्स हैं और आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली पूरा शो कर रहा है और इसमें डिले ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आप जो भी फ़ोन पे करेंगे आपकी स्क्रीन पे भी सेम शो करेगा। सपोज़ मैं यहाँ पर कुछ ये प्ले करता हूँ तो देखिए ये प्रॉपरली चल रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने फ़ोन को स्क्रीन मिरर कर सकते हैं। और सभी फ़ोन्स में डेवलपर ऑप्शन अलग अलग जगहों पर रहता है, तो आप अपने हिसाब से, अपने फ़ोन के हिसाब से चेक कर लीजिएगा कि आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन अबाउट फ़ोन सेक्शन कहाँ पर है। और जब आपका उपयोग ख़त्म हो जाएगा तो आप इसे, जो आपका डेवलपर मोड ऑन रहेगा, उसे क्लोज़ कर दीजिएगा। और जब भी आपको यूज़ करना होगा तो आप दोबारा चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।